पूछो कैसे आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण का टॉपिक काल। काल को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस। तो अब इसके माध्यम से पढ़ेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं और काल के अनुरूप कार्य कैसे होता है, यानी कि वाक्य किस प्रकार से बदलता है जब काल परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काल क्रिया के होने के समय का बोध कराने के लिए क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को हम काल कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? क्रिया के होने का समय बोध करवाने के लिए क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को। वाक्य में जो क्रिया है वो किस काल के अनुसार बदल रही है वो परिवर्तन आपका काल कहलाएगा। वर्तमान के अनुसार, भूतकाल के अनुसार या फिर भविष्य के अनुसार। तो जब आप भूतकाल में कोई वाक्य लिखेंगे तो वाक्य बदला हुआ नजर आएगा, वर्तमान में लिखेंगे तो वाक्य में क्रिया बदली भी नजर आएगी, उसमें परिवर्तन होगा। और इसी प्रकार से आप अगर भविष्य काल में लेंगे तो उसके अंदर भी वाक्य परिवर्तन होगा क्रिया के अनुसार। तो काल का भी संबंध मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि क्रिया से है। तो जैसे वह सोया, भूतकाल है ये कि वह सोया, वह सोता है और वह सोएगा। ये तीन वाक्य मैंने आपके सामने बोले हैं, वह सोया। और सरल से वाक्य से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। वह सोता है और एक वाक्य है वह सोएगा। अब इन तीनों में काल है लेकिन आपको यह पता लगाना है कि क्रिया के अनुसार काल कैसे है। सोया आपको सभी को पता है, सोता एक क्रिया है, सोना एक क्रिया है। अब वह सोया यानी वो सो चुका है, वो कार्य हो चुका है। तो जो कार्य हो चुका है वो आपका आएगा भूतकाल में। इसमें भूतकाल में जो कार्य आपका हो चुका है यानी कि वो पास्ट था आपका, पास्ट टेंस। भूतकाल को हम बोलेंगे पास्ट टेंस। इसके बाद हम देखते हैं वह सोता है। सोता है यानी कि वो कार्य भी हो रहा है, सोने का जो कार्य है वो भी हो रहा है। तो जो कार्य अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और वह सोएगा, सोएगा यानी कि अब वो, उसने अभी वो कार्य किया नहीं है, अब उस कार्य को वो करेगा। सोने का कार्य अब होगा तो इसको क्या बोलते हैं? जो कार्य आपने अभी किया नहीं है, जो कार्य की शुरुआत आप अब करोगे। जैसे आप क्लास 6 से 7th में अब जाओगे, आप 7th में गए नहीं हो, आपको 7th अब जाना है, तो आप बोलोगे कि मैं 7th में अब जाऊंगा, यानी उस कक्षा को मैंने 6 को मैंने पूरा पढ़ा है, अब मैं 7th में जाऊंगा। तो वो आपको भविष्य कहलाएगा यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर में आप जाओगे 7th क्लास में। तो इसी प्रकार से अभी यहाँ पर सोने का कार्य नहीं हुआ है, सोने का कार्य अभी नहीं हुआ है। तो इन तीनों वाक्यों से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से काल परिवर्तित हो रहा है। वह सोया भूतकाल जो पास्ट टाइम से बीत चुका है, वह सोता है प्रेजेंट जो अभी सो रहा है, वो चल रहा है कार्य वर्तमान में, और वह सोएगा अभी वो सोया नहीं है, अभी उसने उस कार्य को नहीं किया है सोने का कार्य, तो वो आएगा भविष्यकाल में। आगे हम देखते हैं काल के भेद। अब इन तीनों वाक्यों से काल के भेद भी निकल के आ गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में देख लेते हैं। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है जो लिखे हुए या बताए जाने से पहले हो गया। जैसे 2 दिन पहले जोर की बारिश हुई थी। अब भूतकाल के वाक्य में आप एक बात ध्यान रखना कि हमेशा थी, था, थे, थी से इस वाक्य के वाक्य का अंत होगा। था, थे, थी आता है, वह जा रहा था, ऐसे इस प्रकार से। नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था, तो हमेशा वाक्य के अंत में था लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भूतकाल का वाक्य है। अब हम चलते हैं भूतकाल के भेद की तरफ। तो भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये हम काल के 3 भेद लिख देते हैं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल के हम 6 भेद करेंगे यहाँ पर। तो
छह भूतों के नाम लिख देते हैं, पहले सामान्य भूत, आसन्न भूत, इसी प्रकार से पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध, संदिग्ध और
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य वर्तमान क्या है। क्रिया के इस रूप से यह तो बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, परंतु इस समय भी हो रही है यह बोध नहीं होता। जैसे हवाएं चला करती है, यानी कभी कभी चलती भी है और कभी कभी हवाएं नहीं भी चलती है, तो आप इसको लेकर श्योर नहीं हो, उस चीज को लेकर आप श्योर नहीं हो कि ये कार्य हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वो कार्य कभी कभी होता है। पक्षी उड़ते हैं, कभी नहीं उड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया वर्तमान काल में होती है, परंतु इस समय भी हो रही है यह बोध नहीं होता, यानी फिक्स नहीं है कि वो कार्य उस समय भी हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो यह था आपका सामान्य वर्तमान। फिर हम चलते हैं अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। इस रूप से बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है पर वो पूरी नहीं हुई है। हम घूमने जा रहे हैं, अभी जिस जगह पर घूमने जा रहे हैं वहां तक वो पहुंचे नहीं है, तो क्रिया चल रही है अभी। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, क्रिया के निरंतर चलने के कारण ही इसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान यानी कि वो वर्तमान में जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ अभी, इसीलिए उसे अपूर्ण वर्तमान कहा। हम घूमने जा रहे हैं, तो हम घूमने जा रहे हैं अभी, जिस जगह पर हमें जाना है वहां हम पहुंचे नहीं है, तो अभी वो क्रिया बीच में चल रही है। तो इस प्रकार ये था अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। फिर हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान वर्तमान में आएगा कि वर्तमान काल के भेद मान्य है, परंतु वर्तमान के दिए जाने के कुछ उदाहरण। वह चला गया है, उसने भोजन कर लिया है, यानी कि वर्तमान में वो कार्य पूरा हो चुका है। तो ये था आपका पूर्ण वर्तमान, जिसके अंदर वर्तमान काल की जो क्रिया है वो पूरी हो गई है, यानी वो आधी अधूरी नहीं है या तो वो बीच में अभी चल नहीं रही है, वो कार्य पूरा हो चुका है, तो वो पूर्ण में आ जाएगा। अपूर्ण में वो कार्य अभी चल रहा है। फिर हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान। तो इसमें संदेह व्यक्त होता है, दिखती बात है कि वो सो रहा होगा, उल्लास खेलता होगा। हमेशा वाक्य के अंत में अगर होगा आता है तो आप समझ जाइए कि इसमें संदेह की भावना है कि वो कार्य हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, शायद है। तो इस प्रकार से फिर हम आगे देखते हैं संभाव्य। इस रूप में वर्तमान में काम होने की संभावना व्यक्त होती है, जैसे वह पढ़े तो पढ़ने देना, अब तो देश आगे बढ़ना ही चाहिए, यानी कि संभव है कि ये कार्य होना ही चाहिए। वो पढ़े तो उसे पढ़ने देना, उसे किसी प्रकार से मना नहीं होना चाहिए, वो पढ़े तो उसे पढ़ने देना चाहिए, वो कार्य संभव हो सकता है। इसी प्रकार वह स्वस्थ होना होता हुआ लग रहा है, वह स्वस्थ होता लगता है, संभावना है कि वह स्वस्थ होता हुआ लग रहा है या फिर वो स्वस्थ होता लगता है। फिर आगे हम देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल जिसके अंदर काल के आने वाले समय का बोध होता है, आने वाला समय, जो क्रिया अभी नहीं हुई है, जो क्रिया अब होगी उसका बोध होता है। और इसके अंत में गाएगी, जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं वाक्य में। भविष्यकाल के भी चार भेद, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, आगे आ जाएगा आपका संभाव्य, फिर आ जाएगा आपका अपूर्ण, और फिर आएगा आपका पूर्ण। तो अब इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। इस काल में काम के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है, भविष्य में क्या होगा यह अनिश्चित सा ही रहता है, किंतु सामान्य भविष्यकाल की क्रिया काम की निश्चितता का संकेत देती है। जैसे वह आएगा, मतलब श्योर है कि वो आएगा, हम पढ़ेंगे, फिक्स है कि हमें पढ़ना ही है, तो मतलब इसके अंदर बताया गया है कि वो कार्य होगा, आगे आने वाले समय में वो कार्य होगा, डेफिनेटली ये होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो ये होता है सामान्य भविष्य। फिर संभाव्य, इस काल में काम के आगे होने की संभावना व्यक्त होती है, जैसे लगता है वे आएंगे, लगता है कि वे आएंगे, वाक्य से ही आपको पता चल गया कि वाक्य में लगता है वे आएंगे, उनके आने की संभावना है, वो वाक्य ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं कि वो आएंगे ही आएंगे, लगता है कि वे आएंगे। संभव है पीयूष वहां मिले, यानी हो सकता है कि मुझे पीयूष वहां मिल जाए, तो वाक्य में संभावना प्रकट की जा रही है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे संभाव्य भविष्य। फिर आते हैं अपूर्ण भविष्य। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा, जैसे विद्यालय सालों साल चलता रहेगा, यानी विद्यालय कभी बंद नहीं हो सकता, तो ये अपूर्ण भविष्य, जो कि भविष्य में दी गई जो क्रिया है वो आगे आने वाले समय में कभी बंद नहीं होगी, वह चलती ही रहेगी। तुम्हारा झगड़ा तो होता ही रहेगा, यानी तुम्हारा ये झगड़ा है वो होता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, यानी किसी क्रिया के आगे आने वाले समय में भविष्य में भी बंद होने की संभावना
तो वो होता है आपका अपूर्ण भविष्य। फिर होता है पूर्ण भविष्य, इस काल की क्रिया से बोध होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो जाएगा। अपूर्ण भविष्य में कार्य समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पूर्ण भविष्य में कार्य के समाप्त होने की संभावना है। तो विनायक भोजन कर चुका होगा या कार्यालय बंद हो चुका होगा, कार्यालय बंद हो चुका होगा शायद, ये संभावना है कि कार्यालय बंद हो चुका होगा। तो होगा, होगी, होंगे या जाएगा, जाएगी, जाएंगे, यानी कि आपको वाक्य के अंत में हमेशा गा देगी जो ये दिखेगा। इस शब्द से आप पता लगा सकते हो कि वाक्य आपको भविष्य काल के बारे में बताना चाह रहा है। तो ये था आज का टॉपिक आपका काल, जिसके बारे में हमने पढ़ा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल और इन सभी के भेद। भूतकाल के हमने मुख्य 6 भेद पढ़े, उसके बाद वर्तमान काल के 5 भेद और उसके बाद भविष्य काल के 4 भेद। धन्यवाद।